हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल क्रीमी क्रीमी कस्टर्ड आइसक्रीम, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसे बनाने के लिए हमने कोई भी कंडेंस मिल्क या फिर मिल्क पाउडर या फिर व्हिप क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी बनकर तैयार हुई है और खाने में बिल्कुल मार्केट की आइसक्रीम जैसी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दूध बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि दूध जो है तले में चिपके नहीं, और डाल देंगे हम दूध। तो यहाँ मैंने 1 किलो फुल फैट मिल्क क्रीम लिया है, क्योंकि इसमें हम कोई भी मिल्क का इस्तेमाल नहीं क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने फुल फैट मिल्क लिया, जिससे कि आइसक्रीम जो हमारी बहुत ही अच्छी से क्रीमी क्रीमी और गाढ़ी बने। तो दूध को बॉईल होने देंगे अच्छी तरह से। इसमें से 4 चम्मच दूध जो है मैंने निकाल के एक बॉल में रख लिया था, इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए निकाल के रख लिया है। इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो आप कस्टर्ड पाउडर को हमेशा ठंडे दूध में ही घोलें, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये कस्टर्ड पाउडर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे दूध को, तो दूध जो हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है और उस पर जो क्रीम इसके ऊपर जो मलाई जम गई उसे दूध में ही मिक्स करते जाएंगे निकालते हुए, जिससे कि आइसक्रीम जो हमारा और भी अच्छा क्रीमी क्रीमी बनकर तैयार हो। इसमें डाल दिया है मैंने 5 टेबल स्पून चीनी और थोड़ी सी डालेंगे इलायची का पाउडर, और इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो दूध को पकाते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो गए हैं और दूध जो है थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तब इसमें हम डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर का जो घोल हमने तैयार करके रखा था। तो कस्टर्ड पाउडर का घोल डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स बढ़ जाएंगे। और इसे भी हम 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे, जिससे कि ये घोल कस्टर्ड पाउडर का जो है कच्चापन भी चला जाए और घोल जो है हमारा अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे गाढ़ी होना शुरू हो गया है। तो इसे भी हमें और थोड़ा देर पकाना है। तो यहाँ दूध को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गया है और ये जो घोल है बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। अब इसे हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और चलाते हुए ठंडा करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो बस इसे चलाते हुए मैंने ठंडा कर लिया है। तो दूध जो हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, अब इसे हम एक कंटेनर में सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक कंटेनर ले लिया है, ये आइसक्रीम का ही है। तो इसमें हम डाल देंगे आइसक्रीम के घोल को। तो सभी को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे जो हम अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और इसे फ्रीजर में हम इसे फ्रिज में ही इसी तरह से हम 1-2 घंटे के लिए, हमें इसे जमाना नहीं है, बस चिल होने के लिए रख देना है, जैसे कि ठंडा हो जाए। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है इसे, 1-2 घंटे के तक मैंने फ्रिज में रखा था। ये देख सकते हैं ये जमने के फॉर्म में शुरू हो गया था, तो बस इसे हमें इतना ही निकालना। अब इसे हम निकालेंगे मिक्सी के जार में और इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ मैं लिया है फ्रेश मलाई, जो घर के दूध की मलाई होती है उसे ही लिया है, क्योंकि इसमें हम कोई भी क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसे डालकर हम 1-2 बार मिक्सी को चला लेंगे, ज़्यादा नहीं पीसना है हमें, नहीं तो इसमें जो है जो मलाई है वो मक्खन निकल जाएगी उसमें से। तो बस इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसे पीस लिया मैंने।
इसके ऊपर से हम थोड़े से डाल देंगे कटे हुए बादाम। अब ढक्कन को जो हम बंद कर लेंगे और इसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। तो बस 10 से 12 घंटों के बाद मैंने इसे निकाल लिया है और आइसक्रीम जो हमारी बहुत ही अच्छी तरह से जमकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इसे निकाल कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी क्रीमी क्रीमी सी आइसक्रीम हमारी जो है बनकर तैयार हुई है, बहुत ही आराम से ये निकल जा रही है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप भी इसे घर पर बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, बहुत ईजीली बनाकर तैयार हो जाती है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे जो आइसक्रीम है वो बनकर हो गए हैं तैयार। तो आप भी इसे बनाएं और रेसिपी मेरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स।